हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी पावर्ड बाय अभिमनू आई आज का हमारा टॉपिक है ई कोव साइंस आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है एवरी ईयर यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको याद रखना है यूपीएससी के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं दैट्स वाई टूडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फोर पार्ट्स में फर्स्ट हम देखेंगे ई e कोव क्या है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवाइस कैसे वर्क करती है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उस इंस्टीट्यूट को जिसने डिवाइस को बनाया है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस आपको याद रखना है लास्ट पार्ट ई कोव सेंस से थोड़ा हटकर है और आज के टॉपिक की हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी ओके रेडी देन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट व्हाट इज ई को सेंसर इसकी फुल फॉर्म है ई कोविड सेंसर दिस सेंसर कैन डिटेक्ट कोरोना वायरस विद इन थर्टी सेकेंड्स यस आपने सही सुना थर्टी सेकेंड्स में कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है हमारा सेंसर फ्रेंड्स ज़रा सोचिए अगर थर्टी सेकेंड्स में हमें पता चल जाए कि कोई बंदा वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है देन टाइमली हम उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं और क्वारंटाइन करने के बाद हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है इस डिवाइस को बनाया है, है हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट इस इंस्टीट्यूट इस का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट इस डिवाइस को हम अपने लैपटॉप इवन मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ ठीक है तो बहुत सिंपल डिवाइस है थर्टी सेकेंड में हमें रिजल्ट मिल जाएगा ओके अब हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइस वर्क कैसे करती है तो अगर सिंपल डिवाइस है तो वर्क कैसे हो रहा है ये हमें समझना है फ्रेंड्स इस डिवाइस के इलेक्ट्रोड में कोविड नाइन्टीन और कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पहले से ली जाएगी अब जिस पर्सन जिस बंदे की टेस्टिंग होनी है उसका सैंपल लिया जाएगा सैंपल होगा मेन सलाइवा के फॉर्म में तो पहले से आपको रखना है एंटीबॉडी पहले से है डिवाइस में कोरोना वायरस की उसके बाद हमने सैंपल लिया अगर सलाइवा में कोरोना वायरस एंटीजन है देन डिवाइस में रखने के बाद एंटीबॉडी एंड एंटीजन में एक रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते ही हमें पता चल जाएगा कि बंदा इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है देन हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है ओके okay, फ्रेंड तो थर्टी सेकेंड्स में हमें रिजल्ट मिल जाएगा अगर इन्फेक्शन है देन हम उस पर्सन को क्वारंटाइन कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ये डिवाइस 1.3 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक वर्क करती है ओके okay? तो एक छोटी सी बैटरी से भी हम इसे चला सकते हैं नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे एन एनआईएबी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका मेन टास्क है मोलिकुलर साइंस में रिसर्च करना एंड रिसर्च से जो पॉजिटिव डेटा पॉजिटिव रिजल्ट इसको मिला है उसको यूज करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड लाइफ स्टॉक ओके इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था टू में और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर हैं सुबीर एस मजूमदार आपको यह रखना है प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं सुबीर एस मजूमदार नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में टेस्टिंग को आप देख रहे हैं टेस्टिंग वर्ड बहुत फेमस हो रहा है बिकॉज ये देखा गया है जिस कंट्री ने कोरोना वायरस की जितनी ज़्यादा टेस्टिंग की है वहां पर कैजुलिटीज कम देखी गई हैं और उधर जो अटैक हुआ है कोरोना वायरस का वो भी कम हुआ है तो टेस्टिंग जो है ये एक कारगर इंपॉर्टेंट वेपन है अगेंस्ट कोरोना वायरस फ्रेंड्स अब टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है पहले हम बात करते हैं पीसीआर टेस्ट की पीसीआर टेस्ट इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रेजेंट में जो टेस्टिंग हो रही है उसका मेन मेथड पीसीआर टेस्ट ही है ओके तो प्रेजेंट में जो टेस्टिंग हो रही है वो पी सी से ही हो रही है तो इसमें क्या होता है समझिए इसमें पहले सैंपल लिया जाएगा सैंपल जो होगा वो म्यूकस के फॉर्म में होगा म्यूकस के फॉर्म में सैंपल लेने के बाद इस सैंपल को लैब्स में भेजा जाएगा लैब्स में अब टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग का तरीका कौन सा है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी तो अभी हमने डिस्कस किया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस टेस्टिंग के अंडर में आपको याद रखना है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को देखा जाता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है देन ये टेक्नोलॉजी करती क्या है पीसीआर टेक्नोलॉजी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बना सकती है फॉर एग्जांपल आप समझिए अगर वायरस का कॉन्सनट्रेशन कम है देन इस टेक्नोलॉजी से हम उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हैं ठीक है अब डिफरेंट कॉपीज़ बन जाएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियन से बिलियन देन टेस्टिंग आसान हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि बंदा इन्फेक्टेड है या नहीं है आपको याद रखना है ये टेस्टिंग जो है प्रेजेंट में यूज हो रही है बट इसकी एक कमी है इस टेस्टिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है फोर टू सेवन डेज इसमें लग रहे हैं और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई बंदा इंफेक्टेड है तो वो कोरोना को फैला चुका होता है ओके तो नेक्स्ट टेस्टिंग की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड सैंपल में देखा जाता है कि बंदे के ब्लड में एंटीबॉडी बनी है अंगेंस्ट कोरोना वायरस अगर एंटीबॉडी है अंगिस्ट कोरोना वायरस देन उसको इन्फेक्शन हुआ था अब आपको याद रखना है ये करंट इन्फेक्टेड बंदे को नहीं पकड़ पाता अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बारे में टेस्टिंग जो हमें बताती है तो इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीजन टेस्ट एंटीजन टेस्ट में क्या होता है ये समझिए वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन टेस्ट में हम सैंपल लेते हैं और सैंपल के बाद आपको याद रखना है इसमें प्रोटीन को डिस्कवर किया जाता है तो प्रोटीन के बारे में पता किया जाता है वायरस की प्रोटीन के बारे में आपको है कोरोना वायरस की जो प्रोटीन है उसको हमने नाम दिया एस प्रोटीन या इसी को हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन तो दोनों में डिफरेंस समझिए पी टेस्ट एंड एंटीजन टेस्ट पी टेस्ट में हम पता करते हैं वायरस के जेनेटिक कोड का जेनेटिक मटेरियल का बट एंटीजन टेस्ट में हम पता करते हैं प्रोटीन का ये डिफरेंस है दोनों में तो एंटीबॉडी टेस्ट एंटीजन टेस्ट एंड पीसीआर टेस्ट पीसीआर टेस्ट में रिजल्ट लेट मिल रहा है एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट में रिजल्ट जल्दी मिल जाता है बट रिलायबल कौन सा है तो so रिलायबल है पीसीआर टेस्ट ओके फ्रेंड्स तो ये था आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट जैसा आपको पता है प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है बट आपको रिलैक्स नहीं होना है ओके okay? आपको ये मानकर चलना है हैं थर्टी फर्स्ट का एग्ज़ाम है और उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है अगर इस टाइम पर आप रिलैक्स हो गए देन ये आप समझिए बहुत बड़ा खतरा आप ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलैक्स होकर बैठे हैं और दूसरा जो एक स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है बिकॉज ये कंपिटेटिव एग्जाम है तो वो अपनी तैयारी कर रहा है और आप रिलैक्स होकर बैठ गए कि अब तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है देन जो लगा हुआ है और आपके कंटिन्यू आपकी स्टडी कर रहा है वो आपको बीट कर देगा देन आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है और मानकर चलिए थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को एग्जाम होगा ओके फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक